दोस्तों आईपीएल 2021 के सीजन से लगातार खिलाड़ी बाहर हो रहे हैं। अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से दो बड़े खिलाड़ी जो पर्सनल रीजन की वजह से बाहर हो चुके हैं, जिसमें एडम जंपा और के एन रिचर्डसन है, वहीं कल रात को रविचंद्र अश्विन भी बाहर हो चुके हैं। इससे पहले एंड्री टाई, लिवम लिविंगस्टन जैसे खिलाड़ी ऑलरेडी आईपीएल 2021 के सीजन से पर्सनल रीजन देकर बाहर हो चुके। दोस्तों इनमें से चार खिलाड़ियों की अनाउंसमेंट टीम ने कर दिया, जिनमें रविचंद्र अश्विन, के एन रिचर्डसन, एडम और एंड्री टाई जैसे खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों चार खिलाड़ी कौन से हैं, मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो आइए चलो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पहले खिलाड़ी की जो एडम जंपा को रिप्लेस किया है, वो है संदीप लामचिनी। संदीप लामचिनी से लगातार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बात कर रही है और ये खिलाड़ी को अपनी टीम में जगह देगा, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की स्पिनिंग बॉलिंग बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि इजेंद्र चहल ही पूरा भार संभाले हुए हैं। लेकिन अगर संदीप लामचिनी आ जाते हैं तो उनको काफ़ी मदद इस टीम को मिलने वाली है। वहीं दूसरे जो खिलाड़ी हैं आदिल राशिद, जिनको रिप्लेस किया गया, के एन रिचर्डसन की जगह रिप्लेस हो सकते हैं, कि आदिल राशिद काफ़ी खतरनाक बॉलिंग अटैक करते हैं, ये भी इसी स्पिनिंग बॉलिंग करते हैं, आईपीएल 2021 के नीलामी में नहीं बिके थे, जिनकी वजह से मायूस भी थोड़ा हुए थे। लेकिन अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इस खिलाड़ी से लगातार कांटेक्ट कर रही है। इस टीम के पास स्पिनिंग बॉलिंग उतनी मजबूत नहीं, लेकिन फास्ट अगर स्पेस की बात करें पेसर की, तो स्पेसर में काफी मजबूत है, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी जैसे खतरनाक ऑलरेडी स्पेसर मौजूद है। इस टीम की स्पिनिंग बॉलिंग में आदिल राशिद शामिल हो सकते हैं। वहीं जो तीसरे खिलाड़ी जो रविचंद्र अश्विन की जगह ले सकते हैं, बाबा अपर जीत। बाबा अपरजीत एक ऐसे खिलाड़ी है जो ऑलरेडी चेन्नई सुपर किंग और पुणे की तरफ से खेल चुके हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिला था, ये दोनों टीमों में ऑलरेडी थे लेकिन बाद में बेंच पे बैठे थे, उसके बाद बाहर हो गए थे। ये खिलाड़ी ऑलराउंडर और तमिलनाडु का खिलाड़ी है। वहीं रविचंद्र अश्विन भी तमिलनाडु के खिलाड़ी है, जिनकी वजह से इस खिलाड़ी को रिप्लेस किया, और ये ऑलराउंडर है, मिडल ऑर्डर में काफ़ी अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं। वहीं अगले खिलाड़ी की बात करें तो चौथे खिलाड़ी जो एंड्री टाई की जगह ले सकते हैं, शेल्डन कॉटरेल। शेल्डन कॉटरेल आईपीएल 2020 के सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब में थे, आईपीएल 2021 के सीजन में नहीं बिके थे, तो अब राजस्थान रॉयल्स इस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करने वाली एंड्री टाई की जगह, क्योंकि लगातार राजस्थान रॉयल्स फ्लॉप होते जा रही है और उनको मौका नहीं मिल रहा है इन एंड्री टाई की जगह रिप्लेस की। तो अगर शेल्डन कॉटरेल आते हैं तो काफ़ी खतरनाक सेल्यूट मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, तो टीम अगर वो खिलाड़ी आता तो टीम और भी मजबूत हो सकती है। तो दोस्तों ये है चार बड़ी रिप्लेसमेंट हो सकती है आने वाले टाइम में। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कौन कौन से खिलाड़ी को रिप्लेस करना चाहिए, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।